अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज लेके आए बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट जो कि हमें भेजी है दोस्तों इनके कंपनी ने। इनके कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि गिम्बल्स वगैरह बनाती है, मुख्तलिफ और कैमरा एक्सेसरीज बनाती है। तो उन्होंने भेजा जी हमें जो है दो गिम्बल्स फाल्कन इनके, जो कि एक्शन कैमरा के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल के गिम्बल्स हैं। तो आज हमने इसकी करनी है अनबॉक्सिंग। तो बहुत से लोग पूछेंगे भाई ये दो क्यों है, ये तो सेम एक चीज़ है। भाई एक जो है आप सब दोस्तों के लिए गिव वे है और एक जो है हमारे लिए है। तो आज हम एक का गिव वे करेंगे। एक का गिव वे इस तरह करेंगे कि गिव वे में शामिल होने के लिए दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, फेसबुक पे शेयर करना है। उसके बाद जो है हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको फॉलो कर लेना है। और किसी भी इंस्टाग्राम के पोस्ट में आपने हैशटैग फाल्कन जो है लिख के आपने कमेंट कर देना है। यूट्यूब पर भी सेम कमेंट करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि आप इंटर हो चुके हैं गिवे के अंदर। और जैसे ही इसका रिज़ल्ट जो है हम बताएंगे या इसका रिज़ल्ट लेके आएंगे गिवे का, तो अगर आपका नाम उसके अंदर हुआ तो आप ज़रूर इस गिम्बल को जीत सकेंगे। तो ये है जी एक्शन कैमरे के लिए गिम्बल। तो इस तरह जो है आपने जो है गिवे में शामिल हो जाना है। तो आज हम इसकी करने वाले हैं एक की अनबॉक्सिंग टेस्टिंग और इसको चेक करेंगे किस तरह गिम्बल है, किस तरह यूज़ करना है, क्या क्या एक्सेसरीज़ है और इसको किस तरह एक्शन कैमरे के ऊपर जो है कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको इन गिम्बल्स के ऊपर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं। तो मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस कैमरा गियर रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड लेके आता रहता हूँ। तो आप टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। लीजिए दोस्तों ये आ चुके हैं जी हमारे गिम्बल जो कि हमें भेजे हैं जी इनके कंपनी ने। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक जो है गिव वे करने के लिए, एक जो है हमारा अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो एक को कर देते हैं हम साइड में क्योंकि वो आप सब दोस्तों के लिए है। जो भी वो जीतेगा गिव वे के अंदर उसको मिल जाएगा एक्शन कैमरे का गिम्बल फ्री, हमारी तरफ से बिल्कुल गिफ्ट होगा। और उसके लिए गिव वे में शामिल होने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गिव वे में शामिल होने के लिए आपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद कमेंट में हैशटैग फाल्कन लिखना है और उसके बाद जो है आपने हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को जो है भी फॉलो कर लेना है। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, उसके भी किसी भी पोस्ट के अंदर आपने कमेंट कर देना है और हमें बता दीजिएगा कि आप सब लोग एंटर हो चुके हैं। और जब इसका रिजल्ट जो है हम जो है आपको बताएंगे तो उसके अंदर अगर आपका नाम हुआ तो आप ज़रूर जीत सकेंगे। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा दोस्तों 10,000 प्लस व्यूज़ पे होगा कि जैसे ही हमारे वीडियो के 10,000 व्यूज़ क्रॉस होंगे फ़ौरन हम जो है इसका रिज़ल्ट ले आएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आ चुका है जी हमारा इनके कंपनी का फाल्कन, जो कि ब्रांड न्यू दोस्तों एक्शन कैमरे का गिम्बल है। बहुत ही कमाल की चीज़ बनाई है, यानी कि अगर आप एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हैं, छोटा सा एक्शन कैमरा जो कि गोप्रो या एसडी कैम वगैरह का होता है, जो कि आप हेलमेट वगैरह में या साइकिलिंग में या मोटरसाइकिलिंग या मोटो व्लॉगिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, अगर आप उसको गिम्बल लगाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्मूथ वीडियो हो जाए, हिले भी ना, तो उसके लिए ये गिम्बल यूज़ होगा और ये स्पेशल एक्शन कैमराज के लिए ही है। तो अब मैं बताता हूँ जी इसके अंदर से क्या क्या निकलता है, किस तरह इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं ओपन और फिर देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो इसको मैं कर रहा हूँ जी ओपन दोस्तों, 3, 2, 1 हो चुका है जी ओपन। और ओपन होते ही आप देख सकते हैं सबसे पहले निकला है जी इसका वारंटी कार्ड, जिसको यूज़ करते हुए आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको जो है वारंटी, वैसे इसकी क्लेम नहीं होगी पाकिस्तान में। और उसके बाद ये इसके अंदर कुछ एसेसरीज़ का बैग है, ये देख लेते हैं कौन कौन सी एसेसरीज़ हैं दोस्तों। तो एसेसरीज़ के अंदर एक टाइप सी की चार्जिंग केबल दी जाती है आपको कंपनी की तरफ से, एक दो जो है एलन कीज़ दी जाती हैं दोस्तों कंपनी की तरफ से, दो जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नट दिए जाते हैं कैमरे को अटैच करने के लिए। और उसके बाद ये आ चुका है जी खूबसूरत सा गिम्बल और ये आ चुका है जी इसका ट्राईपोड। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं बाहर, देखते हैं नीचे क्या है इसके पड़ा है। तो नीचे पड़ा है जी एक खूबसूरत सा बैग जिसके अंदर आप अपने गिम्बल को रख के कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ये आ चुका है जी दोस्तों हमारा गिम्बल जो कि है जी बड़ा खूबसूरत सा। सबसे पहले इसके ये ट्राईपोड को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ चुका है जी इसका ट्राईपोड, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा छोटा सा मिनी ट्राईपोड है। और इस ट्राईपोड के ऊपर ही आप अपने गिम्बल को रख के यूज़ करेंगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसको टेबल वगैरह पर रखने के लिए इस्तेमाल होता है ये गिम्बल को, अगर आप टेबल वगैरह पर रख रहे हैं। और अब जो है हम अपने गिम्बल को निकाल लेते हैं बाहर दोस्तों, बड़े सख्त तरीके से फिट हुआ है। तो ये आ चुका है जी छोटा सा कम्पैक्ट साइज़ का गिम्बल दोस्तों, बहुत ही प्यारा गिम्बल है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है मिनी गिम्बल। ये आप दोस्तों देख सकते हैं ये है जी हमारा सबसे बड़ा DJI RS2 गिम्बल और उसके सामने आप देख सकते हैं कितना छोटा लग रहा है ये गिम्बल। तो कितना साइज़ का फ़र्क है। ये है जी एक्शन कैमरा के लिए और ये है जी DSLR वगैरह के लिए।
तो दोस्तों मुझे जो है बहुत कमाल का लगा है गिम्बल, और बहुत ही खूबसूरत जो है बनाया है, बहुत ही छोटा साइज़ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके यहाँ पर तीन बटन दिए गए हैं जिससे आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं रिकॉर्डिंग का, और रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं साइड से। और उसके फ्रंट पे भी एक रिकॉर्डिंग का बटन है और मूड का बटन है, जिसके ज़रिए आप ये जो यहाँ पर LED लेवल बने हुए हैं, यहाँ पर आप मूड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसकी 360 जो है दोस्तों, इसकी जॉयस्टिक है जिसके ज़रिए आप 360 इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल दिखती है, उसके बाद यहाँ पर टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट दिखती है जिसके ज़रिए आप अपने गिम्बल को चार्ज करेंगे। उसके बाद गिम्बल को रीसेट करने के लिए जी स्पेशल बटन दिया गया है, और बहुत ही खूबसूरत और छोटे साइज़ का गिम्बल है। इसके जो है मोटर्स दोस्तों इसके अंदर लगाई गई हैं, 3 एक्सिस लगाई गई हैं, पैन, टिल्ट और रोल के लिए, यानी कि तीनों एक्सिस पे आप जो है इसको स्टेबल कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई है। सबसे पहले हम इसको अपने ट्राइपॉड पे लगा लेते हैं और फिर जो है हम इसको करेंगे यूज़। तो लीजिए जी, मैंने इसको ट्राइपॉड पे लगा लिया। उसके बाद अभी हम इसकी चार्जिंग वगैरह देख लेते हैं कि चार्जिंग आखिर कितनी है। तो अभी जो है चार्जिंग तकरीबन है, हम इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन करके भी हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं गिम्बल, इसके ऊपर जो है एक्शन कैमरा लगाकर। तो लीजिए जी, आ चुका है जी हमारा एक्शन कैमरा, छोटा सा SJ Cam। तो हम इसको इसके ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ, फिर हम इसको यूज़ करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा कि किस तरह आप अपने एक्शन कैमराज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर कवर लगा के आपने इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। तो इंसर्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है दो नट की जो है जगह मिल जाएगी, और जो कंपनी की तरफ से स्क्रू आया है ये, इसके ज़रिए आपने इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। तो लीजिए जी, ये लग चुका है, और अब जो हम है इसकी थोड़ी सी बैलेंसिंग कर लेते हैं इसके स्क्रू नट को यूज़ करते हुए। तो यहाँ से एक नट खोल लेना जिससे आप इसकी टिल्ट को दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इतना ही थोड़ा सा बैलेंस हुआ, तो इसको अभी हम पावर ऑन करते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों। लीजिए जी, हो चुका है जी पावर ऑन, और अभी आप देख सकते हैं ये अभी जो है PF मोड है, यानी कि पैन फॉलो मोड पे है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना कमाल का गिम्बल है। तो हमारा एक्शन कैमरा दोस्तों वहीं पर ही है, और हमारा जो है गिम्बल वो जो है काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मैं इसको जिस तरह मर्जी चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। के बाद यहाँ पर जो M बटन है दोस्तों, M बटन को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ मोड को यूज़ कर सकते हैं, और इसको डबल क्लिक करेंगे रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर आप डाउन, राइट, लेफ्ट, उसके बाद FPV मोड है। FPV मोड के अंदर आप जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ वहाँ जो है आपका जो है कैमरा मूव करेगा। तो ये इसके अंदर अच्छा मूड है। उसके बाद FL, उसके बाद PF मोड, फिर आ चुका है जी पैन फॉलो। तो अभी हम जो है जॉयस्टिक से इसको आप देख सकते हैं कहीं भी मोड़ सकते हैं। उसके बाद इस बटन के जरिए अगर 2 दफ़ा प्रेस करेंगे ये रीसेट हो जाएगा। उसके बाद 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये सेल्फी मोड पर आ जाएगा। तो सेल्फी मोड के ज़रिए आप जो है अपनी वीडियो बना सकते हैं, और 2 दफ़ा फिर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं जी अपने जो है इस कैमरे के साथ। तो इस कैमरे के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे लगता है टाइप सी की केबल जो है यूज़ होगी, या फिर ये जो है इसके साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। तो अभी जो है हम ये काम करते हैं जी, इसको हम थोड़ा सा कनेक्ट करके इसकी वीडियोस वगैरह भी बना के चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दोस्तों कैमरा लग रहा है, और कितना खूबसूरत जो है गिम्बल लग रहा है। तो काफ़ी छोटे साइज़ का गिम्बल है दोस्तों, आप इसको जिस तरह चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं बाहर अपने गिम्बल को और अपने कैमरे को लेकर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप इसे अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग लगा लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 3 दफ़ा क्लिक करूँगा दोस्तों, ये आ चुका है जी सेल्फी मोड पे। तो सेल्फी मोड पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमारी जो है वीडियो ज़रा भी शेक नहीं कर रही, बड़ी बेहतरीन तरीके से जो है वीडियो इससे बना सकते हैं। और अगर मैं इससे भागता भी हूँ तो आप देख सकते हैं भागते वक्त भी जो है हमारा गिम्बल जो है बिल्कुल स्टेबल रखा हुआ है हमारे जो है SJ Cam को, हमारे कैमरे को। तो ये अच्छी बात है, इस गिम्बल के ज़रिए आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, और कोई सिनेमैटिक सीन लेने हो तो वो भी ले सकते हैं। तो इससे आप अच्छे अच्छे इस तरह के सिनेमैटिक सीन ले सकते हैं, जिस तरह के मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह जो है बड़े प्यारे प्यारे से सिनेमैटिक सीन ले सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद इसके मूड को चेंज करते हुए आप इसको जो है FPV मोड, HL मोड, सारे मूड्स के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैंने इसको दोस्तों FPV मोड पर रख दिया है, और उसके बाद ये दोबारा जो आ चुका है दोस्तों पैन फॉलो मोड पे। तो इस तरह दोस्तों आप अपने जो है गिम्बल को यूज़ करते हुए कोई भी जो है एक्शन कैमरा को उसके ऊपर लगाकर आप अपनी अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, व्लॉगिंग के दौरान आपका जो है कैमरा हिलता है, तो आप इस गिम्बल के ऊपर एक्शन कैमरा लगा कर
अपना जो है अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे बहुत पसंद आया ये गिम्बल, और उसके बाद अब चलते हैं अपने स्टूडियो में, इसके कुछ जो है फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, देखा दोस्तों आपने जो है, हमने इसको बाहर जो है आउटडोर में इसको टेस्ट किया, इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत कमाल की है, और ऊपर से साइज इतना छोटा है कि आप इसको पॉकेट में, अपने बैग में, कहीं भी रख कर आप इसको आसानी से ले जा सकते हैं, और वज़न भी इतना ज़्यादा भारी नहीं है। इसको कैमरे के साथ इसका अगर जो वज़न का कंपेयर किया जाए, जो मैक्सिमम 300-400 ग्राम का होगा ये, तो इतना ज़्यादा भारी भी नहीं है और बहुत ही अच्छी कंपैक्ट चीज़ है। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और गिवअवे में शामिल होने के लिए मैंने जिस तरह बताया उस तरह आपने कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों के साथ इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करना है। तो दोस्तों इस तरह ही मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। इनके कंपनी का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से चाहे तो विजिट भी कर सकते हैं स्किन की प्रोडक्ट को। और अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।